जो इमारत आदिवासी बच्चों के रहने के लिए बनाई गई, जो इमारत अनाज मंडी के ऑफिस के लिए बनी, जो इमारत किसी की निजी संपत्ति हो या फिर जो नगर निगम का ऑफिस हो, वहाँ से राजस्थान के 17 नए जिलों का प्रशासन काम कर रहा है, वो भी बुनियादी सुविधाओं के भारी अभाव में, और अब सभी जिलों का भविष्य अधर में लटका हुआ है। मार्च 2023 में राजस्थान में 17 नए जिले और 3 नए संभाग बनाने की घोषणा हुई थी। उसके बाद नए जिले भी बने, उसमें काम भी शुरू हुआ, लेकिन जब नई सरकार आई राज्य में, भजन लाल शर्मा की सरकार, तो उन्होंने उन सभी जिलों की समीक्षा करने का फैसला किया। उसे लेकर एक कैबिनेट की सब कमेटी भी बनी और एक पवार कमेटी भी बनी, हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी, जिसको कहा गया कि सभी जिले जितने भी बनाए गए हैं उनकी ज़रूरत है या नहीं राज्य में, इस पर एक रिपोर्ट पेश करें, जिन्होंने पिछले महीने ही रिपोर्ट विस्तार से जमा की कि क्या ज़रूरत है या नहीं। लेकिन जब हम उन जिलों में जाकर देख रहे हैं कि वहाँ पर बुनियादी ढांचे के तौर पर वहाँ पर क्या हुआ, क्या प्रशासनिक व्यवस्था जो है वो ठीक तरीके से चल पा रही है, नहीं हो पा रही है, उसी सिलसिले में हम उदयपुर से करीब 70-75 किलोमीटर दूर सुलुम्बर इलाके में आए हैं, जो कि एक नया ज़िला पिछले साल बना था। राजस्थान में भजनलाल शर्मा सरकार ने रिटायर्ड IAS अधिकारी ललित पवार के नेतृत्व में एक हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी का गठन नए जिलों की समीक्षा के लिए किया था, जिसने सरकार को 30 अगस्त को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। जो जिले बनाए गए थे उसमें से कुछ तो ऐसे थे जिनकी डिमांड कई वर्षों से थी, जिसके बारे में कई जन आंदोलन भी हुए थे और इस तरह के था, तो उनका एक स्ट्रॉन्ग एक तरह से कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग केस था कि हम इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं वगैरह। बट कुछ जिले ऐसे भी थे जिनकी वायबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क था। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताना चाहूँगा दूदू। अब दूदू जिला बनाया गया, उसमें सिर्फ 3 तहसीलें हैं, एक चुनाव विधानसभा चुनाव क्षेत्र है जी। अब वहीं कलेक्टर भी बैठे हैं, वहीं SP बैठे हैं और 3 थानेदार भी, 3 थाने भी हैं और DSP भी है, एडिशनल SP भी है। तो एक तरह से ये किसी भी पैरामीटर पे 3 तहसील का ज़िला तो खरा नहीं उतरता। खैरतल 35 किलोमीटर है जिला मुख्यालय से, दूदू 60 किलोमीटर है, खैरतल 35 किलोमीटर है। तो ऐसे कई उदाहरण अपने को इसमें मिले और इसलिए मुझे लगता है कि वर्तमान राजस्थान सरकार ने सोचा कि परीक्षण की ज़रूरत है कि वायबल इसको बनाया जाए। हमारे भारत में एवरेज एक ज़िले का क्षेत्रफल 4,242 किलोमीटर है। एवरेज एक ज़िले की संख्या, जनसंख्या 27 लाख है। एवरेज एक ज़िले में तहसीलें करीब 7 है, ब्लॉक्स 9 हैं, ब्लॉक डेवलपमेंट होते हैं, डेवलपमेंट ब्लॉक्स को अपन कहते हैं, वो 9 हैं। गांव करीब करीब 800 हैं हर ज़िले में। तो एक तरह से ये एक नेशनल बेंचमार्क्स हो गए, ठीक है जी। और फिर उसको हमने कंपेयर किया राजस्थान के बेंचमार्क से। अशोक गहलोत सरकार के कार्यकाल में दक्षिण राजस्थान में उदयपुर से कटकर सुलुम्बर जिला बना, जिसके लिए बीते 4 दशक से यहाँ की जनता मांग कर रही थी, लेकिन विभागों में कर्मचारियों की कमी है, वहीं सीमित संसाधन में लोग काम कर रहे हैं। ऐसा ही हाल अलवर से अलग होकर जिला बने खेरथल तिजारा का है, जहां कलेक्टर ऑफिस अनाज मंडी में चल रहा है, वहीं SP ऑफिस किराए पर एक निजी बिल्डिंग में चल रही है। कई जिलों जैसे कि दूदू और डीग में कलेक्टर नहीं है और जिले का अतिरिक्त प्रभार उनके पुराने जिले के पास ही है। प्रदेश की वर्तमान प्रशासनिक इकाइयों की संरचना का विस्तृत अध्ययन एवं विवेचना के उपरांत अब मैं प्रदेश में नए जिले बनाने की घोषणा करता हूँ। ये ज़रूर है कि जिला बनने के बाद जिस तरह का मॉडल हम सब देख रहे थे उसमें कहीं ना कहीं देरी हुई है। पिछली सरकार के पास भी समय कम था, घोषणा तो हो चुकी थी, परंतु सरकार उस पर पूरी तरह से काम नहीं कर पाई। यदि वो पूर्ण रूप से बजट दे पाती तो हो सकता है ये अब तक अमली जामा पहन चुकी होती। और नई सरकार बनने के बाद भी जब भजनलाल सरकार ने कार्यकाल संभाला तब से उम्मीद थी कि जिले को लेकर बजट मिलेगा, परंतु बजट नहीं मिला। ये जो नए बनाए गए ज़िले और संभाग थे उनका क्षेत्राधिकार, नंबर 1 क्षेत्राधिकार, नंबर 2 वायबिलिटी,
नंबर 3 एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस और नंबर 4 उनकी फिजिबिलिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर फिजिबिलिटी। ठीक है, ये 4 पैरामीटर्स उन हमको भाई ऑर्डर उसमें दिए गए। फिर हमने जब इसका रिव्यू शुरू किया, करीब करीब 100 से ज़्यादा डेलीगेशन मिले हैं मुझे, 45 विधायकों से मैंने चर्चा की, लगभग 10 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट साहिबान से चर्चा की, मंत्रीगण 5-6 मंत्रीगणों से चर्चा की, और एक आम जो भी मेरे से मिलना चाहता था, मेरे जो ऑफिस था उसमें कभी भी कोई भी आके अपनी बात कह सकता है। उदयपुर से सलुम्बर की दूरी करीब 70 किलोमीटर है, जो कि घने जंगलों, अरावली की पहाड़ियों, नदियों के बीच से गुजरकर पार होती है। इस दुर्गम क्षेत्र के लिए जिला प्रशासन में काफ़ी कर्मचारियों की कमी है। हालांकि जिलाधिकारी जसमीत सिंह ने कहा कि बुनियादी ढांचा और योजनाओं की लोगों तक पहुंच दो अलग अलग चीज़ें हैं। जिला बनने से लोगों को काफ़ी सहूलियत हुई है। अन्य जो ज़िले हैं, जो सलुम्बर के आसपास के जो ज़िले हैं, उन ज़िलों की तहसीलें के क्षेत्र भी सलुम्बर में मिलने के लिए काफ़ी प्रयास कर रहे हैं। जो वर्तमान में अभी सरकार से जैसे डूंगरपुर में जैसे आसपुर साबला हैं, प्रतापगढ़ से कुछ एरिया हैं, वो लोग भी इसमें मिलने के लिए तैयार हैं। बड़ी साड़ी जैसे कि वो चित्तौड़ में आता है, वो भी इसमें सम्मिलित होना चाह रहे हैं। राजस्थान में नए जिलों को लेकर काफ़ी दशकों से जो है वो मांग उठ रही थी। जो सलुम्बर है, इसी ज़िले को लेकर करीब 4 दशक से जो है वो अभियान चल रहा था, मांगे उठ रही थी। लेकिन जब ज़िले बने तो उसके पीछे ये कहा जा रहा है कि जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें आनन फानन में जो है बहुत सारे ज़िले बना दिए गए, उसे लेकर एक राजनीतिक एस्पेक्ट भी देखा जा रहा है, उससे जुड़कर भी इसको पूरे प्रकरण को देखा जा रहा है। लेकिन बहुत सारे ज़िलों पर जो है वो सवाल भी खड़े हो रहे हैं, जैसे जयपुर जो है, जयपुर से भी जो है वो 3 ज़िले कटकर बनाए गए, जिसमें जयपुर नॉर्थ और साउथ है और दुदू इलाका है। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि जो दुदू है वो एक सिर्फ एक तहसील है, उसको ज़िला बनाने की जो है वो ज़रूरत नहीं थी। एक्सपर्ट कमेटी जो है वो भी इस पर अपना जो है जो मत है वो दे चुकी है। नए ज़िलों के गठन के बाद राजस्थान में अब 50 ज़िले हो चुके हैं, लेकिन इसे लेकर राजनीति भी खूब हो रही है। हाल ही में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर के बयान पर विवाद हो गया, जिसमें उन्होंने कहा था कि 6-7 जिलों को उनकी सरकार हटा देगी। जब ये फैसला किया गया कि जो जितने भी नए ज़िले हैं उनकी समीक्षा की जाएगी, तो लोगों में एक असमंजस की स्थिति आई कि उनको कुछ इलाकों में जिनको नए ज़िले मिले उनके मन में ये आया कि अब उनके ज़िले छिन सकते हैं या मर्जर हो सकता है। तब जब आप इस पर काम कर रहे थे समीक्षा रिपोर्ट पर, तब आपके रेफरेंस पॉइंट क्या थे? क्योंकि 2 कमेटी और बन चुकी है, एक 2014 में बनी थी, एक 2022 में बनी थी, परमेश्वर कमेटी और रामलुभाया कमेटी। उनके रेफरेंस पॉइंट को जब आपने स्टडी किया होगा, तो उन्होंने किस तरीके की सिफारिशें की, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो जहाँ तक रामलुभाया साहब की रिपोर्ट का सवाल है, तो वो तो एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है, सबको पता ही है कि रामलुभाया साहब की रिकमेंडेशन पे ही ये 17 ज़िले बने थे और 3 डिवीज़न बने थे। परमेश्वर जी की रिपोर्ट थी थोड़ी पुरानी हो गई थी, क्योंकि 2014 में बनी थी, अध्ययन मैंने उसका भी किया। तो कुछ ऐसे ज़िले थे जिसको परमेश्वर जी ने रिकमेंड किया था, तो उससे क्या जो नए ज़िले बने हैं उनका केस और थोड़ा स्ट्रांग हो गया कि भाई हमको परमेश्वर जी कमेटी ने रिकमेंड किया है, रामलोभाई साहब ने भी रिकमेंड किया है, तो नेचुरली जब एज ललित पवार कमेटी मैं उसको रखूँगा तो ये बात उनके पक्ष में जा सकती है या गई है, वो तो एक उसकी बात है, बट वो एक बेंचमार्क तो था ही। हालांकि इस बीच मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने जनगणना प्रक्रिया शुरू होना एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके लिए शर्मा ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर जिलों के क्षेत्राधिकार में बदलाव पर लगी रोक को हटाने का आग्रह किया है। साथ ही साथ कैबिनेट को हमने ये भी ब्रीफ किया है कि साहब जनगणना डिक्लेयर हो चुकी है, तो जो भी कैबिनेट निर्णय लेगा उसको लागू करने से पहले उनको जनगणना निदेशालय से अनुमति लेनी होगी। ये एक लीगल एस्पेक्ट है, क्योंकि किसी भी तहसील का, सब डिवीज़न का या ज़िले का या उसका क्षेत्रफल या क्षेत्राधिकार, दोनों बातें अब बगैर सेंसस कमिश्नर की या भारत सरकार की परमिशन की, जो भी इनके मैकेनिज्म है एज पर सेंसस एक्ट, जो भी हमारा एक्ट है, तो वो उनके लिए उनको अनापत्ति राजस्थान सरकार को जो भी निर्णय वो हमारा कैबिनेट करेगा तो उस निर्णय को लागू करने से पहले जनगणना विभाग से अनुमति लेनी होगी। अब जब कमेटी ने रिपोर्ट सौंप दी है
तो भजनलाल शर्मा सरकार के पास जो है वो जिम्मेदारी आ गई है कि वो जल्द से जल्द इस पर फैसला ले कि किन जिलों को रखना है और किन जिलों को जो है मर्ज करना है या खारिज करना है। अब देखना ये होगा कि सरकार क्या फैसला करती है।